रात में पानी ज़्यादा पीकर सोएं, ताकि सुबह का जो प्रेशर है वो आपको उठा के ही छोड़ेगा। सुबह उठने की रूटीन डिसाइड करें। अगर आप अलार्म से जागते हैं तो बार बार अलार्म को बंद करके सोने की आदत को छोड़ दें। अपने हिसाब से सुबह उठने का टाइम सेट कर लें। सुबह उठने के बाद कोई ऐसा काम करें जो काम करने में आपको मन लगता हो। तो चलिए, ये कुछ आदतें हैं जो कि इन आदतों को अगर अपना लेते हैं तो ये आदत सुबह उठाकर ही आपको छोड़ेगी। तो चलिए, आज फिर से सुबह की दिनचर्या आप लोगों के साथ शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे अनेक हैं, वहीं लेट उठने के एक भी नहीं। तो पूरे दिन पॉजिटिव रहने के लिए जल्दी उठना और खुद को एनर्जेटिक रखना, ये कोई जादू नहीं, बस एक आदत सी है। और वहीं लेट उठने के जब काम समय लेट उठेंगे तो काम समय पर नहीं होगा, पूरे दिन टेंशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा, पूरे दिन आलस आलस सा लगेगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, हमेशा सा लगेगा जैसे कि लेटे रहें या फिर बैठे हैं तो फिर बैठे रहें। तो जल्दी उठना यूँ तो देखा जाए तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़ी बड़ी हैं। जो अलार्म लगाकर सोते हैं वो एक बार में ही बजने में उठकर खड़े हो जाएं, सीधा ज़मीन पर खड़े हो जाएं, और अलार्म बंद करने वाला जो बटन होता है उसको तो भूल ही जाएं। वो तो याद ही नहीं रखना है कि हमारे फ़ोन में या फिर हमारे घड़ी में बंद करने वाला कोई बटन है, तभी हम उठ पाएंगे। एक बार फिर आदत लग जाए ना तो फिर तो अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि अभी मुझे नहीं पड़ती। और ना एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उठने के बाद ये नहीं मन में रहना चाहिए कि उठने के बाद हम झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, अपने घर के काम करेंगे, ये नहीं। बस ये काम का प्रेशर अगर रहेगा तो फिर लगेगा कि नहीं थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद उठ के काम ही तो करना है, करेंगे ना, ऐसा नहीं। उठने का पहले आदत डालना है, और आदत डालने के लिए सबसे पहले उठने के बाद ठंडी ठंडी हवाओं में घूमना, अपने माइंड को फ्रेश करना है, उसके बाद फिर काम के बारे में सोचेंगे। मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो फिर लेट से ही काम करेंगे। पहले उठने वाला आदत तो एक बार लग जाए, ऐसा है तो फिर ये लग जाएगा। हम आप लोगों को काम करते दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे आदत है उठ के काम करने का, तो हम कर रहे हैं। और सुबह उठने के बाद जितनी जल्दी हो सके स्नान करने का के बारे में सोचें। स्नान करने के बाद ना फिर नींद नहीं आएगा, आलस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अपने आप फ्रेश फ्रेश सा लगने लगेगा। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो गर्मी तो भाई चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, और धूप में तो देखा भी नहीं जा रहा, जाया क्या जाएगा, देखा भी नहीं जा रहा। तो स्नान ध्यान हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, और उधर मेरा चढ़ा हुआ है चाय। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और आज है दिन मंगलवार, इसीलिए लाल लाल पहने हैं, और इधर मेरा चाय बन रहा क्योंकि मंगलवार का फास्ट है। तो चाय पीने से पहले चलते हैं छत पे, दो खीरा खड़ा हुआ है, दो खीरा पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। पहले खीरा खा लेते हैं, उसके बाद देखिए धूप बहुत तेज धूप है। ये देखिए मेरा खीरा दो फरा हुआ, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए उत्तरी तो बहुत बड़ा हो गया, और है एक अभी है और भी है इधर, छोटा छोटा सा और है, लेकिन ये दो बड़ा हो गया था। एक यहाँ पे देखिए, उसके पहले भी निमिक पापा एक तोड़े थे, और ये सब में ना फूल दे रहा, इस समय फल नहीं लगा है, फूल ही आ रहा। तो तोड़ लिए, बहुत ज्यादा धूप है, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। खीरा का तितई जो होता है, अगर चाकू से काट के नहीं निकाल पा रहे हैं तो अगर खीरा को ऐसे ऐसे पटकेंगे तो वो फट जाएगा, और फटने के बाद उसकी तितई जो होती है वो निकल जाएगी, और खीरा खाने में फिर तीता नहीं लगेगा, मतलब तीखा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, मीठा मीठा सा लगेगा।
और एक बात और है फ्रेंड्स कि मौसम है भी गर्मी का, और गर्मी के मौसम में ना रात छोटी करती है, इसीलिए नींद पूरी होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जल्दी सोने से नींद पूरी हो जाएगी, और अगर हम रात में पानी ज़्यादा पी लिए ना तो फिर मॉर्निंग में जो प्रेशर आएगा वो हमें बेड पे रहने नहीं देगा, वो हमें बेचैनी आएगा पूरे शरीर में, और वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बेड छोड़ देंगे। तो बस ये वाला ट्रिक अगर अपना लिए ना तो सुबह उठने से अपने आप को रोक ही नहीं पाइएगा, पक्का सुबह उठ ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयारी हो रही थी नाश्ता बनने का। नाश्ता क्या है, यही लंच में भी रहेगा, दोपहर का लंच नहीं बनाना है आज, एक ही आदमी का खाना बनेगा तो टाइम काफ़ी बहुत ज़्यादा आज मेरे पास रहेगा। तो उन्हीं बचे हुए टाइम में क्या क्या करते हैं और कौन कौन सा काम आज हम मन में सोच के रखे हैं, मतलब ये प्लानिंग रहती है मेरी कि जिस दिन मेरा फास्ट रहेगा उस दिन हम बहुत सारा ऐसा काम रहेगा जो कि डेली की रूटीन में हम शामिल नहीं कर पाते टाइम कम रहने के कारण, वो सारा काम आज हम पूरा कर लेंगे। क्योंकि जब टाइम मिले और माइंड में ये सोचे कि पहले से ही रखे हैं तो फिर चाहे कितना भी लेट हो ये काम आज ख़त्म कर ही लेंगे। तो क्या क्या एक्स्ट्रा काम करेंगे ये सब वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, और आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। तो धूप बढ़ने से पहले हो गया, रोटी तो बन गया, तो धूप आ ही गया, यहाँ तक आ ही गया, तब दो मिनट और हम यहाँ पे रुकते तो मेरे ऊपर धूप आ जाता। रोटी तो बन गया, अब चावल ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे इनसे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, अगर खाने के लिए बोलेंगे तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। और अभी से ही देखिए पसीना लथपथ। तो सब्जी ऐसा बनाएंगे, केला का सब्जी बनाएंगे जो कि नाश्ते में भी और लंच में भी दोनों में ये सब्जी चल जाए, क्योंकि एक आदमी के लिए फिर चावल बनाना और भी बहुत ज़्यादा कुछ और बनाना वो सब नहीं हो पाता, आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो बस बेसिक मसालों से ही नॉर्मल सा केला का सब्जी बनाएंगे, ये कोई रेसिपी नहीं है, बस आप लोग को दिखा रहे हैं कि नाश्ते में यही रहेगा और लंच में भी यही रहेगा। और जब तक सब्जी तैयार होती है तब तक थोड़ा सा मलाई रखे हैं, उसका भी मट्ठा बनाना है, मतलब कि गर्मी जब से गर्मी का सीज़न हुआ है तब से जब भी मट्ठा बनाते हैं तो सुबह ही बनाते हैं जल्दी, कि वो नाश्ते में भी खाया जा सके और लंच में भी खाया जा सके, क्योंकि फिर लेट अगर हो जाएगा तो नाश्ते में नहीं खा सकेंगे इसीलिए। और आज मेरा फास्ट है तो एक गिलास मेरा पीना भी हो जाएगा, क्योंकि जब फास्ट में अगर मट्ठा पी लेते हो दही पी लेते हो तो वो हो जाता ना कि भूख लगने नहीं देता है, पेट भी ठंडा रहता है, अच्छा रहता है, इसीलिए हम आज मट्ठा मह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आज मलाई नहीं था, मतलब छाली नहीं था, फिर भी हम सोचे कि जितना भी होगा उतना मह के आज इसको निकाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पहले का भी मलाई यहाँ पे बटर रखा हुआ था उसको भी पिघलाए नहीं थे, तो आज दोनों मिला के एक ही साथ पिघला लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं और आगे चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अगर बेल आइकन दबाइएगा तो ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जाएगा। और एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है वीडियो बनाने में, और वीडियो बनाना ही नहीं होता है, वीडियो बनाने के बाद उसको एडिटिंग करना होता है, उसके बाद फिर बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि करने के बाद फिर वीडियो आप तक पहुंचता है, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता ही है इतनी मेहनत पे। तो अब फ्रेंड्स आज बहुत सारा ऐसा काम है जो कि आज हम कर लेते हैं। तो टाइम का तो अभी देखे नहीं थे हम टाइम कि कितना हो रहा था, लेकिन 10:30 से 11 के बीच में अभी टाइम हो रहा होगा, और अभी फ़ोन आ गया था निम्मी का, तो बात भी उससे हो रहा है और मेरा काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मशीन के पास हम आए हैं, बहुत कुछ सिलना है आज मुझे, और बहुत दिनों से सोच के रखे थे लेकिन ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा था,
तो नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि सोचा हुआ काम तभी हो पाएगा जब हम करेंगे, नहीं तो फिर ना करने के बहाने तो हज़ार हैं और काम करने के बस एक ही, यही है बहाने। बहुत दिनों से लग रहा था, चल रहा था मेरा कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मशीन पे बैठने का मन ही नहीं हो रहा था तो नहीं कर पा रहे थे। और आज थोड़ा जल्दी हो गया है, खाना वाना बनाना नहीं है उतना, तो जल्दी सोचे कि जल्दी कर ले रहे हैं, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा ये वाला जो टाइम है अभी वाला में कर लेंगे, लेकिन 1 बजने के बाद से फिर मशीन पे बैठा नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा वाला गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाला कड़ा धूप है, इसीलिए नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ना ये पुराना वाला शर्ट था, लाल कलर का शर्ट है, कुशन का कवर बनाना है, एक कुशन है उसी का कवर बनाना है, तो एक और मेरे पास लाल कुशन है, तो सोचे बना देंगे तो हो जाएगा मैचिंग मैचिंग। तो बहुत ज़्यादा काट छाँट करके इसका फिर हम लाइनिंग पहले सीधा किए, उसके बाद इसको हम सिलेंगे, इस तरह से सिलेंगे। क्या ये सिल गया था, उसके बाद पलट के आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से बना है, और जितना भी जो भी आज बना रहे हैं सब पुराने पुराने कपड़ों का बना रहे हैं। ये दुपट्टा था एक, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, इसका कलर इतना पुराना होने के बाद भी इसका कलर बिल्कुल भी हल्का नहीं हुआ, फीका नहीं हुआ, तो इसका सोचे थे कि एक रनर बनाएंगे। और बीच बीच में जो हवा का आवाज़ आ रहा है ना, साउंड आ रहा वीडियो में, ये वाला साउंड पंखे का है, क्या करें बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिना पंखे का बैठ नहीं सकते घर में, बस वही वाला है। तो लीजिए ये वाला भी हो गया, और उसके बाद ये जो पुराना सिल रहे थे, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये पुराना सा बेडशीट था, इसका हम ये बना रहे थे वॉशिंग मशीन का कवर, उसका भी कवर फट गया था, और इसका भी बहुत दिनों से सोच के रखे थे कि कुछ कोई ऐसा कपड़ा मिले जो कि थोड़ा बहुत इसमें काम चलाने भर बन जाए, तो वही बना रहे थे। और उसमें लगाएंगे ये फीता, मतलब ये रिबन छोटा छोटा से लगा देंगे ताकि कसने का हो जाए, क्योंकि जिप तो अभी है नहीं, मार्केट अभी गए नहीं है तो लाए नहीं है, जो है उसी से काम चला रहे हैं, फिर मार्केट जब जाएंगे तो लेके आएंगे नया कपड़ा, तो नया भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कुशन कवर बन गया था, बहुत ही अच्छा बना था और साइज़ भी इसका अच्छा आ गया था, कपड़ा जोड़ जाड़ के बनाए लेकिन बन गया बढ़िया। तो ये हो गया था, उसके बाद अब हम बेड भी थोड़ा सा सरिया ले रहे हैं, बेड में ये बेडशीट हटाना है, वैसे भी जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन हम बेडशीट चेंज करते हैं, क्योंकि इस सोए हुए बेडशीट पर फिर उस दिन नहीं सोते रात में, तो यहाँ पर बेडशीट भी चेंज कर ले रहे हैं, ये नया बेडशीट है। और आज का जो ये चैलेंज था ये हम पूरा कर लिए, इतना काम सोच के रखे थे और मेरा इतना सारा काम हो भी गया, मतलब कभी कभी अपने आप में अगर चैलेंज लेते हैं तो वो अगर पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो खुशी होती है, जो सुकून मिलता है, उसको उसके बारे में क्या ही कहना, कभी पूरा हो उसके बाद आप बताइएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट हम सबका पढ़ते हैं, आप लोग ज़रूर लिखिएगा, आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहता है। और एक बहुत ही पुरानी रजनी बहन है जो कि हमेशा वीडियो देखती थी और उनका कमेंट भी आता था, बीच में उनका कमेंट आना बंद हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनके फ़ोन तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है या फिर ना पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा था डाउट, लेकिन फिर उनका कमेंट आया तो बहुत अच्छा लगा। फ़ोन ख़राब हो गया था रजनी बहन आपका, इसीलिए आप कमेंट नहीं कर पा रहे थे, वीडियो नहीं देख पा रहे थे। तो ये टेम्पररी हम बना दिए, वॉशिंग मशीन का भी कवर मेरा फट गया था तो ये बना दिए, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, पुराने कपड़े का बनाया है इसीलिए, पुराना बेडशीट का बनाया है, इसमें थोड़ा सा घट गया तो ये वाला पिंक वाला जोड़ दिए, और परमानेंट बनाएंगे, नया कपड़ा जब लाएंगे तो परमानेंट बनाएंगे अच्छे से जिप लगा के, अभी तो बस ऐसे ही काम चलाओ तब तक ढका रह जाए। हॉल में है ये पुराना वॉशिंग मशीन है, अच्छा नहीं लगता हॉल में इसी तरह, इसीलिए ढकने के लिए ये बनाए, और ये वाला रनर बनाया है जो कि इस वाले पे मुझे बिछाना है, तो यहाँ पे भी करेंगे। घर अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि खिड़की दरवाज़ा उधर बालकनी का दरवाज़ा सब बंद करके रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए। और उसके बाद तो इसी के साथ फ्रेंड्स अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गया और वीडियो भी अब लंबा हो रहा है, फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।